इस वक्त आ रही एक बहुत बड़ी खबर टाइम्स नाउ के हाथ लगी। ये तस्वीरें कानपुर के लैंडमार्क होटल की हैं, जहां बुकी नयन शाह आईपीएल प्लेयर्स के होटल में आने से कुछ ही मिनटों पहले वहां पहुंचता है, चेक इन करता है। होटल में कुछ लोगों से बातचीत करते हुए वो दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें नयन शाह की हैं। उसी होटल में उनकी मौजूदगी कन्फर्म कर रही हैं, जिस होटल में खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। और इससे पहले बुकी नयन खिलाड़ियों का पीछा करते हुए मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से बाय रोड कानपुर पहुंचा था। इसको पुलिस ने अरेस्ट किया है आईपीएल के बैटिंग रैकेट में। आमिर हक जॉइंस अस विद मोर। हाँ आमिर, तो कुछ और सुराग लगे हैं पुलिस के हाथ, क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल नयन, और देखिए बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट सुराग हैं जो मिले हैं पुलिस को, क्योंकि जाहिर है इसमें एस्टेब्लिश हो रहा है कि किस वक्त नयन शाह वो उसने चेक इन करने की कोशिश की इस होटल में, जहां पर टीम के मेंबर्स भी रुके हुए थे। और आप देख रहे होंगे कि जो लॉबी की फुटेज है इसमें साफ तौर पर एस्टेब्लिश हो रहा है कि किस तरह से उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। होटल का स्टाफ खड़ा हुआ है वहां पर, एक रिंग बनाकर पुलिस और सिक्योरिटी के लोग भी खड़े हुए हैं जो लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लॉबी में उनका मूवमेंट, क्योंकि आईपीएल की टीम्स के खिलाड़ियों का आगमन बस होने वाला है। और इसी बीच में नयन शाह दिखाई दे रहा है जो कि बुकी है, जिसको पुलिस ने 10 मई की रात को अरेस्ट किया था पिछले हफ्ते। वो चेक इन करने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट काफी कैश पे करता है वो अपने रूम के लिए काउंटर पर, ये भी दिखाई दे रहा है। साथ ही में एक ड्रेस में होटल का एक एम्प्लॉय है जिससे वो बात कर रहा है काफी देर तक, 5 मिनट तक वो साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और जब होटल का ये एम्प्लॉय बात करके रिसेप्शन चला जाता है, तब नयन अपने साथ में खड़े हुए एक और गेस्ट के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉडी लैंग्वेज से अगर खास तौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन उसके बीच में आखिर में क्या बात हुई ये बात साफ तौर पर समझ में नहीं आती है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस को इस फुटेज को देखने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से आइडिया लग गया है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ काम करता था नयन शाह एज अ बुकी। और होटल में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो मूव कर रहा है, उससे साफ पता लग रहा है कि वो इसके लिए ये रोज का काम था।